फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्र बाय बीएम सर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज से लिंकिंग डिवाइसेस को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, या लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस अनसीन पैसेज में किस प्रकार से आते हैं। तो अनसीन पैसेज जो कि बहुत ही काम का होता है, एंड वी कैन जस्ट फाइंड इट इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हमारी स्कूल के एग्ज़ाम्स हों, कॉलेज के हों, कॉम्पिटिशन हो, बैंक, SSC, रेलवे एट्सेट्रा, टीचर्स एग्ज़ाम्स, अभी रीट का एग्ज़ाम है, तो इन सभी में अनसीन पैसेज जो है आता है। और उसी के अंदर से कहीं अपोजिट्स पूछते हैं, कहीं सिनोनिम्स पूछते हैं, वन वर्ड पूछते हैं, एंड दे आस्क सम अदर डिवाइसेस लाइक लिंकिंग डिवाइस को भी पूछते हैं। तो लिंकिंग डिवाइस का मेरा पिछला वीडियो था, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लिंकिंग डिवाइस रिकॉग्नाइज करेंगे अनसीन पैसेज, फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ से, तो उसमें समझने के अभ्यास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे साथियों। और आप अगर रेगुलर जो हैं, रेगुलरली मेरा वीडियोज़ देखते हैं, मेरी वीडियोस आपको अगर लाइक हों तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आज हम साथियों शुरू करते हैं पैसेज के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हो, अ ग्रेट मैनी पीपल इन इंडिया कैन नॉट रीड और राइट। भारत में बहुत सारे लोग ना तो रीड कर सकते हैं, ना ही राइट कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे लोग ना तो लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम की बात आ जाती है। तो साथियों, दे आर इलिटरेट, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे इलिटरेट हैं। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित। इलिटरेट होता है अशिक्षित, आप देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं है। ये उनकी क्या नहीं है? गलती नहीं है, फॉल्ट नहीं है। दे हैव नेवर हैड द चांस टू लर्न और रीड, उनको कभी चांस नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। चांस यानी अवसर, किस बात का अवसर नहीं मिला? ना तो उनको लर्न यानी सीखने के लिए कोई अवसर मिला, ना ही रीड या पढ़ने के लिए कोई अवसर मिला। बट वी नो टू, यानी हम यह भी जानते हैं, दैट आर कंट्री, कि हमारा जो देश है, कंट्री है, कैन नॉट प्रोग्रेस, वो प्रगति नहीं कर सकता। एज इट शुड डू, जैसे कि इसको करनी चाहिए। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल का मतलब बहुसंख्यक लोग या एक बहुत बड़ी संख्या के जो लोग हैं, आर इग्नोरेंट, वो अगर अज्ञानी हैं या अनएजुकेटेड, अशिक्षित हैं, तो हमारा देश क्या है कि प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इफ़ वी आर टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ सिटीजन्स, यदि हमें सिटीजन बनना है, नागरिक, नागरिक तो हम अभी हैं, लेकिन कैसा सिटीजन बनना है? द बेस्ट काइंड, यानी बहुत अच्छे वाला नागरिक अगर हमको बनना है तो वी मस्ट बी एजुकेटेड, हमें एजुकेटेड होना चाहिए, हमें शिक्षित तो होना ही पड़ेगा। वी मस्ट बी एबल, हमें समर्थ होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम हमको समर्थ होना ही पड़ेगा। किस चीज़ में? टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ने में, न्यूज़पेपर्स, अखबार पढ़ने में, मैगजीन्स, पत्रिकाएं पढ़ने में, यानी इतना तो हमको सीखना ही पड़ेगा कि हम अखबार पढ़ सकें, पत्रिकाएं पढ़ सकें, किताबें पढ़ सकें। नाउ दो जॉपर्स, और अब हम में से वो लोग हु हैव हैड द चांस, जिनको अवसर मिल चुका है, किस चीज़ का अवसर? टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाने का अवसर, एंड टू बी एजुकेटेड, शिक्षित होने का अवसर, एंड हैव बीन गिवन समथिंग ऑफ विच, और हमें कुछ ऐसा मिल चुका है, मैनी ऑफ आर नेबर्स, जिसके बहुत सारे हमारे पड़ोसी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ, उससे वंचित रह गए हैं, डिप्राइव रह गए हैं, ऐसा अगर हमको मिल चुका है। दू दे वे देयर फॉर, इसीलिए नीड अवर हेल्प, उनको हमारी हेल्प की आवश्यकता है, हमारी मदद की आवश्यकता है, जो नहीं पढ़ पाए उनको मदद चाहिए, उन लोगों से जो पढ़ लिख गए हैं, इन दिस मैटर, और इस मामले में वी आर इन अ पोजिशन टू हेल्प देम,
हम उनकी हेल्प करने की पोजीशन में हैं, स्थिति में हैं, इफ वी आर विलिंग, यदि हम विलिंग कर रहे हैं, विलिंग का मतलब हमारी इच्छा हो रही हो, किसकी, टू डू सो, ऐसा करने की, वी शुड शो अवर नेबरलीनेस, हमें अपना पड़ोसत्व दिखाना चाहिए। नेबरलीनेस होती है पड़ोस वाली भावना, तो हमें अपनी पड़ोसी की भावना दिखानी चाहिए, अपने पड़ोसत्व को दिखाना चाहिए। इफ़ वी फाउंड अवर नेबर, नेक्स्ट डोर नेबर, यदि हमें अपना कोई पड़ोसी मिलता है लाइंग एट द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलता है, अनएबल टू मूव, जो कि चलने में असमर्थ हो, बिकॉज ही हैड ब्रोकन हिज लेग्स, क्योंकि उसकी टांगें टूट गई है, टांग टूट गई उसकी, वह चलने में असमर्थ है, हमको अगर ऐसा मिलता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अपने पड़ोस वाली भावना को जरूर दिखाना चाहिए। सिमिलरली और उसी प्रकार से वी शुड शो अवर नेबरलीनेस, हमें अपने पड़ोसत्व की भावना को दिखाना चाहिए। व्हेन वी फाइंड हिम अनेबल, जब हम उसको असमर्थ पाएँ टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करने में, बिकॉज ही कैन नॉट रीड, जब कोई पड़ोसी हमारा पढ़ नहीं सकता, प्रगति नहीं कर पा रहा, तो हमें उस तरह की पड़ोसी वाली भावना दिखानी चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। रीड द अबव पैसेज केयरफुली, ध्यान से पैसेज पढ़ना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए ऑल्टरनेटिव्स या विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है हमें। तो यहाँ जो आंसर थे उनको आई हैव हिडन द आंसर्स, अभी हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखें साथियों, दे, पहला क्वेश्चन है दे देयर फोर, वे इसीलिए, नीड अवर हेल्प, इसीलिए उनको हमारी मदद की आवश्यकता है। इन द गिवन लाइन देयर फोर इज़ अ लिंकिंग डिवाइस, पिछले वीडियो में मैंने लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में बताया था, ये कौन सा लिंकिंग डिवाइस है, देयर फोर यहाँ पर पूछा है, विच डिनोट्स, therefore यहाँ एक लिंकिंग डिवाइस है जो डिनोट दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो therefore क्या दर्शाता है, therefore they therefore need our help, इसीलिए उनको हमारी मदद की आवश्यकता, इसीलिए, यानी कि यहाँ रिजल्ट शोइंग हो रहा है, ऑप्शन नंबर फोर, रिजल्ट यहाँ लिंकिंग डिवाइस है, परिणाम बताने वाला एक कंजंक्शन है therefore, लिंकिंग डिवाइस यानी कंजंक्शन, therefore परिणाम बता रहा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर टू में, सिमिलरली वी शुड शो अवर नेबरलीनेस, उसी प्रकार से हमको अपने पड़ोसत्व की भावना दिखानी चाहिए। व्हेन वी फाइंड हिम अनएबल टू मेक प्रोग्रेस बिकॉज ही कैन नॉट रीड, इन द अबव लाइन लिंकिंग डिवाइस कौन सा है, यहाँ पर ऊपर की लाइन में, इन द अबव लाइन लिंकिंग डिवाइस इज, कौन सा लिंकिंग डिवाइस है, यहाँ सिमिलरली है, समानता, इसमें एक शब्द आया है सिमिलरली, आप देख सकते हैं, और एक शब्द आया है बिकॉज, तो ये दो शब्द यहाँ लिंकिंग डिवाइस का काम कर रहे हैं, सिमिलरली एंड बिकॉज, इसलिए उत्तर हमारा होगा नंबर थ्री, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं, नेबरलीनेस इज, ये पड़ोसत्व तो क्या है, पड़ोसत्व तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे हम महसूस कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन ए नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव और सिक्स को यहाँ से डील करेंगे। तो फोर में देखें, व्हाई इज आर कंट्री नॉट मेकिंग प्रोग्रेस एज इट शुड, तो हमारा देश प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं होने का कारण है हमारा अनएजुकेशन, अशिक्षा, तो ये अनएजुकेटेड हमारा होना, मोस्ट पीपल आर अनएजुकेटेड, क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर आएगा। आगे नंबर फाइव देखें, चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इलिटरेट, यहाँ एक थोड़ी सी मिस स्पेलिंग हो गई है, वर्ड लिख गया, ये डब्ल्यू आर डी वर्ड यानी शब्द है, इलिटरेट यानी अशिक्षित, इसका ऑपोजिट क्या होगा, लिटरेट होगा, शिक्षित, नंबर चार हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नंबर सिक्स में आप देखेंगे, वट इज़ आवर ड्यूटी टू आर इलिटरेट नेबर्स, तो हमारे किसी अशिक्षित पड़ोसी के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, तो हमें उसको शिक्षित करना चाहिए, हमें पैसे से पता चला, तो हम इसमें आगे करेंगे टू एजुकेट हिम, नंबर टू, टू एजुकेट हिम। इस प्रकार हमने देखा साथियों लिंकिंग डिवाइस या कंजंक्शंस के बारे में आधारित ये आज का अनसीन पैसेज था। आई होप यू वुड लाइक टुडेज लेसन, टुडेज वीडियो,
और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।